गुजरात ना माननीय मुख्यमंत्री भूपेन्द्रभाई पटेले अमदावाद खाते जीएम शोरूम नो उद्घाटन कर्यो हतो। जीएम मॉड्यूलर अमदावाद मां तेना नवा शोरूम ना भव्य उद्घाटन साथे नोंधपात्र माइलस्टोन चिन्हित कर्यो। आ उद्घाटन समारोह गुजरात ना माननीय मुख्यमंत्री भूपेन्द्रभाई पटेल द्वारा साथे अमदावाद मेयर श्रीमती प्रतिभाबेन जैन, अपूर्व अमीन एमडी, अपूर्व अमीन आर्किटेक्ट्स अने प्रहलाद भाई एस पटेल चेयरमैन एमडी उपस्थित रह्या हता। बे दिवसीय उद्घाटन समारोह योजायो हतो अने तेमां अमदावाद ना टोचना आर्किटेक्ट्स, बिल्डरो, कंसल्टंट, सरकार नी अधिकारीओ, डीलरोए हाजरी आपी हती। आ इवेंट मां रमेश जैन चेयरमैन, जयंत जैन सीओ अने एमडी ललित जैन हेड स्ट्रेटजी एंड डेवलपमेंट अने राजेश शर्मा डायरेक्टर हाजर रह्या हता। जीएमए आर्किटेक्ट अने बिल्डर फेटर्निटी मां पहेलेथी ज तेनी नोंधपात्र हाजरी चिन्हित करी छे, ज्यारे एंड कंज्यूमर नी जरूरियातो अने रुचिओ पूरी करी रही छे। आ उद्घाटन समारोह दरमियान आकर्षणनुं बीजुं केन्द्र सौप्रथम लक्ज़री शोरूम अने व्हील्सनुं हाजरी हती, जेनुं उद्घाटन मुख्यमंत्रीश्रीना हस्ते करवामां आव्युं हतुं। आ बस जीएमनी उच्च गुणवत्तानी क्रांतिकारी प्रोडक्ट्स जेम के स्विचो, लाइट, होम ऑटोमेशन सिस्टम प्रदर्शित करे अने घरने अनुभव सुधी पहुंचाड़े छे। गुजरात की भावनाओं को और यहाँ की डिमांड को ध्यान में रखते हुए हमको एक बहुत ज़्यादा डिमांड थी हमारे पास एक शोरूम यहाँ पर लाने के लिए, तो ये हमने एक एक्सपीरियंस सेंटर की तरह शोरूम यहाँ पर इस्टेब्लिश किया है। जीएम की विशेषता है कि हमारा रिसर्च और डेवलपमेंट सेल पूरा हमारा खुद का है, जहाँ 100 से ज़्यादा लोग कार्यरत है, इसीलिए हम लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर खरा उतरने का पूरा दमखम रखते हैं। और हम ये चाहते हैं कि गुजरात में जो जाना जाता है अपनी बिंदास जिंदगी के लिए, अपने लाइफ स्टाइल के लिए, टेस्ट के लिए, वो हमको ज़्यादा से ज़्यादा फीडबैक दें, ज़्यादा से ज़्यादा हमको सजेशन दें, जिससे हम उनके अनुसार प्रोडक्ट बना सकें। और इसके पहले ही हम काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर लाए हैं, जिसमें चाहे आपके स्विचेस हैं, एलईडी लाइट्स हैं, MCBDBs हैं, होम ऑटोमेशन हैं, अप्लायंसेस हैं, और काफ़ी सारे तरह की जो चीज़ें जो हम यहाँ पर सारी कैटेगरीज में लेकर आए हैं, उसका सारा हम लोगों ने शोरूम में डिस्प्ले किया है। इसी के साथ साथ शोरूम ऑन व्हील्स, जो कि एक जीता जागता उदाहरण है कि हम किस तरह से टेक्नोलॉजी और एम्बिशंस को कंबाइन करके हम लोगों को चीज़ दे सकते हैं, ये हमारे सारे लोगों की विशेषता है। हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बॉम्बे में है, जहाँ पर हम सारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ में हम खुद प्रोडक्ट्स बनाते हैं, मेक इन इंडिया में विश्वास रखते हैं। और आने वाले समय में हमारे काफ़ी बड़े एक्सपेंशन प्लान्स हैं, जहाँ पर चूंकि मार्केट में डिमांड ज़्यादा है और आज हम सप्लाई उतना नहीं कर पा रहे हैं, तो हम पूरी तरह से गियर्ड अप हैं कि अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ हम लोग बहुत सारे स्टेट्स में आने वाले समय में अगले 2 सालों में 3 सालों में हम लोग इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। और गुजरात में हमारा एक बहुत बड़ा प्लान है, क्योंकि ये गुजरात मार्केट हमको एक बहुत बड़ी ऑफरिंग देता है, क्योंकि यहाँ पर चाहे आप सूरत देख लें, अहमदाबाद देखें, या राजकोट, सौराष्ट्र का पूरा इलाका देखें, बहुत सारे डेवलपमेंट्स हैं कमर्शियल में भी और रेजिडेंशियल में भी, और यहाँ पर डिमांड बहुत ज़बरदस्त है। तो हम लोगों का ये भी प्लान है कि आने वाले समय में शायद हम एक प्रोडक्शन फैसिलिटी गुजरात में भी इस्टेब्लिश करें। साहब मैंने पूछू बस शू विशेषता है, बस ने शू विशेषता है, बस बनावानुं मेन कारण आ हतुं कि दरेक माणस दरेक जग्याए पहोंची न सके, तो 2 टियर सिटीज होय, 3 टियर सिटीज होय, ज्यां अमे शोरूम नथी बनावी शकता, पण त्यां छे ने त्यां मार्केट बहु सरस छे, त्यांना आर्किटेक्ट, त्यां के लोकोने माटे पैसा छे, लोकोने सारी वस्तु जोईए छे, तो एमने એ લોકોની સહુલિયત માટે અમે લોકો બસ બનાવીએ છીએ, ત્યાંથી રિક્વાયરમેન્ટ હોય તો અમે લોકો ત્યાં બસ મોકલીએ। ઇટ્સ અ કાઇન્ડ ઓફ એક્સપિરિયન્સ એટ હોમ, આપ ઘર બેઠે જો અમારા પ્રોડક્ટ એક્સપિરિયન્સ કરી શકતે, તો એની માટે આ બસ સ્પેશિયલી બનાવેલી છે। આ સ્પેશિયલ ડિઝાઇન એ માટે બનાવી કે એટ્રેક્ટિવ એ માટે લાગે કે લોકોને ખબર પડે કે જીએમ બ્રાન્ડ શું છે। વોટ એવર વી મેક, જે બી કાંઈ અમે લોકો બનાવીએ છીએ, એમાં દરેક ચીજમાં એક થોટ જાય છે, કારણ કે સ્વિચ હોય કે ફેન હોય કે ઓટોમેશન હોય, લોકોની જિંદગીમાં સહુલિયત કેટલી વધારે કરી શકીએ એ અમારો વિચાર છે। અને ક્વોલિટી સાથે, એમાં બી ડોન્ટ પ્લે વિથ ક્વોલિટી, તો દેટ ઇઝ ઓલ્સો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ। સંજીવ રાજપૂતનો રિપોર્ટ, S9 ન્યૂઝ, અમદાવાદ। અમારી તમામ માહિતીથી અપડેટ રહેવા માટે જોડાયેલા રહો S9 ન્યૂઝ સાથે।